सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैंडी डॉग शिखा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घर पर बहुत अच्छे होंगे और मैं भगवान से प्रे करूंगी कि आप सभी लोग इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते बने रहें। तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे की तरफ। तो आज का जो टॉपिक था वो है मिस राखी सावंत से रिलेटेड। तो जो मिस राखी सावंत है ना, वो हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी में चलती रहती है, कभी अपनी शादी को लेकर, कभी अपने आइटम गर्ल्स को लेकर और कभी अपने अनमैनर्ड बिहेव को लेकर। खैर कोई बात नहीं है, जिस फील्ड के अंदर वो है वहां तो ये सब चलता रहता है। बट अभी एक लेटेस्ट न्यूज है जिसके अंदर आदिल खान रानी ने उनके लिए एक लेटेस्ट इंटरव्यू में बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वहां से उनके लिए ऑर्डर आ गया है कि उनको जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके जो कोर्ट के ऑर्डर्स आ चुके हैं, उनको अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। तो वो जो ये सब बीमारी बीमारी है इसका सिर्फ एक ड्रामा कर रही है ताकि उन्हें कोर्ट को सरेंडर ना करना पड़े और वो जेल जाने से बच जाए। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए देखते हैं हम। आदिल के जो नाटक है वो बिल्कुल तो हम राखी का जब बेल हो जाएगा उसके बाद आदिल के कितने नाटक और कितने फ्रॉड किए हैं उसने वो। और अभी तो पहले जो एफआईआर हुई है उसमें तो बहुत कम चीजें मिली है, अब आगे के फ्रॉड तो और पता चलेगा। कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा और आज राखी को सरेंडर करने का ऑर्डर है, तो वो सारी लीगल चीजें, वो तो लीगल प्रोसेस अभी राखी को फॉलो करना पड़ेगा। कोर्ट के हाथ में है राखी को जेल भेजना है या राखी को घर भेजना है। तो गाइज, इस वीडियो के जरिए एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि मिस राखी को सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ चुके हैं, उनको खुद को सरेंडर करना ही होगा और शायद में भी उनको जेल हो सकती है। ये बात कंफर्म हो चुकी है। जैसे ही उनकी तबीयत थोड़ी सही हो जाएगी उनको खुद को तुरंत ही सरेंडर करना होगा। देखो, आदिल खान दुरानी ने जो भी कुछ बोला था कि वो बहाना बना रही है और खुद को सरेंडर करने से बच रही है। देखो, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी बीइंग अ गर्ल, क्योंकि देखो उनकी तबीयत, कोई इंसान को भले ही सरेंडर करना हो या कोई भी कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो, पर कोई भी बंदा अपनी बीमारी का बहाना नहीं बनाता है जानबूझ करके। और बीमारी एक ऐसी चीज है जो किसी को कभी भी हो सकती है। तो देखो, मुझे नहीं लगता है कि मिस राखी सावंत जो है बीमारी का बहाना बना सकती हैं, क्योंकि ना देखो आप लोग, किसी भी इंसान की हेल्थ जो होती है ना वो सबसे ऊपर होती है। हेल्थ के बाद ही इंसान कुछ भी, अगर आपकी हेल्थ सही है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप पैसा कमा सकते हैं, आप घूम सकते हैं, एक से एक जो इतनी भी आपकी टिपिकल सिचुएशन आती हैं आप उनको फेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी हेल्थ सही नहीं होगी ना तो आप मेंटली डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो वेल, मैं भगवान से यही प्रे करूँ कि गॉड प्लीज आप जल्दी से राखी सावंत को सही कर दीजिए, वो बेचारे इस टाइम में बहुत ज्यादा ट्रबल में है। तो जितने भी हमारे राखी फैंस हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को आखिरकार राखी सावंत को रिलीफ देना चाहिए या नहीं, आदिल खान दुरानी सही है या गलत है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। सबको सीधा खड़ा करते, बाद में खड़ी हो जाओ, पहले रुको, खड़ा पहले, हाँ सीधा खड़ा, हाँ नहीं नहीं वो सीधा बॉडी सीधा करना है, जैसे नॉर्मल खड़ा रहती हो ना बस। तो ये जो वीडियो है वो राखी ने स्पेशली अपने फैंस के लिए हॉस्पिटल से निकलवाई है, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको एक्यूज कर रहे थे कि जो राखी है वो झूठ बोल रही है, उनको कोई बीमारी नहीं है, वो सिर्फ जो है बेल से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ऐसी चीज नहीं है। और वैसे भी वो बेचारी बहुत अकेली है, उनके माँ बाप कोई भी नहीं है, अभी सिर्फ एक वो जो रितेश है सिर्फ वही है उनके साथ में जो उनका साथ दे रहा है। मैं तो कहूंगी कि वैसे उनकी कोई फैमिली साथ हो या ना हो, लेकिन राखी के फैंस का प्यार हमेशा उनके साथ है और हमेशा बना रहेगा। तो फिलहाल हम सभी लोग मिलकर राखी के लिए प्रे करते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और जल्दी से जितनी भी उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉल्व हो जाए। तो फिलहाल आज का जो वीडियो है हम यहीं पर खत्म करते हैं, हम फिर मिलेंगे कल से एक नए वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।